नुआपड़ा स्थित 216 बैटालियन सीआरपीएफ कैंप कार्यालय रक्षाबंधन उत्सव पालित होई घर परिवार ठर दूर रे भारत मातार सेवा पई एठी रहुतबा समस्त जवान साथी खरिया रोड सेवा समिति महिला शाखार समस्त महिला सदस्य राखी बांधि रक्षाबंधन रे भौणी भाई को जमिति निजर सुरक्षा पई रेशम डोरी बांधि मन पकई दिए सेमिति आज महिला शाखार समस्त महिला सदस्य निजर जवान भाई मानको विजय तिलक और मिठा खुआई तांकर सुस्थ शरीर सहित दीर्घायु निमन्ते परमशक्तिर अधिकारी बा पई कामना करिसेंति। पर्व है, सबसे पहले मैं सभी आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए बड़ा महान पर्व है क्योंकि ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। आज सीआरपीएफ 216 बटालियन के कैंप में जैन समाज, मारवाड़ी समाज और अन्य कई समाजों की महिलाएं आईं और उन्होंने हमारे जो सैनिक हैं उनको राखियाँ वगैरह बांधी हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि सैनिक पूरे देश की सुरक्षा करते हैं और उन्होंने प्रण ले रखा है कि हम पूरे देश की सुरक्षा के लिए जो भी बन पाएगा हम करेंगे। और ये एक हमारे जवान ज़्यादातर अपने परिवार से दूर रहते हैं, बहुतों की बहनें उनके साथ नहीं होती हैं, परिवार उनके साथ नहीं है, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा मौका है जिसमें सिविलियंस और जो भिन्न भिन्न प्रकार के समाज हैं उनकी महिलाओं ने आके उनका सम्मान किया और एक उनको भी संदेश दिया कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग भी सब आपके साथ हैं, आप भी हमारे भाई हैं और जितना आदर सत्कार अपने भाइयों का करते हैं आपका भी करते हैं। रक्षाबंधन के समय में हम हमारी पूरी बटालियन के साथ में हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं उनकी रक्षा के लिए, ईश्वर से कामना करने के लिए, उनके माथे के भाल का तिलक हमेशा सुशोभित रहे, यही कामना के लिए हम लोग यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने आए हैं। मैं सभी को पूरे भारतवासी के नभ थल जल पूरी सेना का स्वागत करती हूँ, रक्षाबंधन पे कामना करती हूँ कि उनकी सबकी रक्षा हमारे ईश्वर करेंगे, यह विश्वास है। फिर भी हम उनके एक रक्षक के नाते हमारा जो एक सूत्र बंधा हुआ है, हमारे भारतीय पर्व है रक्षाबंधन का, कि बहनें हर भाई के लिए कामना करें। आज हम सब खरिया रोड की बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई है, हम सब बहनें मिलकर रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरह से ये पर्व मनाया है और आगे भी इसी तरह मनाते रहेंगे। सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।